हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी क्लासेस ऑनलाइन। मैं सोमा मैम। आज एक बार फिर हम लोग सेल पर चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स को सेल पर ही जो है वो लेक्चर, वीडियो लेक्चर दे रही हूँ। ये मेरा शायद छठा लेक्चर होगा सेल पर। बट बहुत अफसोस की बात है कि शायद 11th के स्टूडेंट्स को लग रहा है कि लॉकडाउन है तो हम लोग भी लॉक होकर घर पर बैठे रहें और पढ़ाई ना करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने पिछले टॉपिक में दिए आपको एक का भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं मिला। तो यही कारण है कि अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो फिर आगे कुछ भी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टीचर सिर्फ अपना काम करता चला जाए और स्टूडेंट उसका फीडबैक स्टूडेंट से ना मिले तो फिर कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। आप जिस तरीके से हम पे फेथ करते हो, वैसे ही मैं भी आप पे फेथ करती हूँ कि आप ही मेरे साथ उतना ही मेहनत करोगे, क्योंकि सेल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सेल स्टार्ट करूँ, तो आपको जो आप नए नए 11th में आए हैं तो कुछ आपको उसमें अच्छा लगे, थोड़ा सा रुचि जगे कि हाँ भाई सेल भी इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, पढ़ाई भी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है, बायोलॉजी भी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, यही कारण है कि मैं हर एक चीज़ को अपने डेली लाइफ से को रिलेट करके आपको बायो पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि आपको बोरिंग ना लगे और आप बिल्कुल पिक्चर की तरह वो आपके ब्रेन में सेट हो जाए, आपको रटका ना लगा। इसीलिए मैंने सेल स्टार्ट किया। सेल स्टार्ट करने का एक और कारण कि सेल इज़ द की ऑफ ऑल द फिजियोलॉजी। आगे जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो सेल जब आपका क्लियर होगा तो फिजियोलॉजी पढ़ने में आपको आसानी होगी, क्योंकि फिजियोलॉजी में बहुत सारे टर्म, बहुत सारे सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सेल से रिलेटेड होंगे। तो अगर आप सेल अच्छे से पढ़ लोगे तो फिजियोलॉजी आपके लिए आसान हो जाएगी। और सेल इज़ द फेवरेट चैप्टर, फेवरेट टॉपिक फॉर द नीट। ठीक है, क्योंकि नीट में क्या होता है, नीट में जो सेलेक्ट होते हैं वो फ्यूचर डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर वही हो सकता है जो कि हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो भी उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उसके पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जानेगा, तभी वो आगे एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। यही कारण है कि हर एक साल करीब 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली सेल से पूछे जाते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक जो लोग नीट दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो ये तो 11th का चैप्टर है ही, लेकिन जो नीट दे रहे हैं, नीट एस्पायरेंट्स हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि इतना डीपली टीचर नहीं पढ़ाना चाहते। वही जो है रटी रटाई, प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट प्रोकैरियोट, जो ढांचे की पढ़ाई चली आ रही है वही। लेकिन मेरे बच्चे वो यूनिक होंगे, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जिससे कि नीट का कोई क्वेश्चन उनसे उनके हाथों से निकल जाए। ठीक है, तो इसीलिए आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और नीट के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। आज का मेरा टॉपिक है साइज ऑफ द सेल एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, किसी भी सेल का जो साइज होता है वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर, क्योंकि हमारा जो जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में हो रहे हैं टोटली डिपेंडेंट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में लगातार चीज़ें जो है सेल्स में टूट रही हैं और बन रही हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। तो एक सेल के साइज का इस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है और क्यों पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जितनी छोटी सेल होगी वो सेल उतनी ही ज़्यादा एक्टिव होती है एक बड़े सेल की तुलना में। ये तो मैंने आपको डायरेक्टली लिखा दिया था, लेकिन साइंस सिर्फ लिखे हुए बातों को मान लेने से नहीं होगा, साइंस को हमें प्रूव करके बताना होगा कि कैसे, क्यों, आखिर क्यों एक छोटी सी सेल को हम लोग ज़्यादा एक्टिव मानते हैं बड़े सेल की तुलना में। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी सेल ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को भी जानने में अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक सेल की एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक सेल की एक्टिविटी जो है वो सरफेस
और वॉल्यूम के रेशियो पर डिपेंड करती है। देखो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली नीट का है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन ओके द रेशियो ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम। सरफेस टू वॉल्यूम पर किसी भी सेल की एक्टिविटी डिपेंड करती है। तो ये एक छोटी सी सेल है, ये एक बड़ी सी सेल है, आप दोनों को अच्छे से देखो। तो ये जो सेल है इसके अंदर का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो छोटी सेल है इसके पास मोर सरफेस एरिया पर वॉल्यूम है, ठीक है, किसकी तुलना में, एक लार्ज सेल की तुलना में। तो एक स्मॉल सेल है, एक लार्ज सेल है। स्मॉल सेल का मोर सरफेस एरिया पर वॉल्यूम है, वेयर एज इन द लार्ज सेल लेस सरफेस एरिया पर वॉल्यूम इज प्रेजेंट। ओके, अब क्यों, क्या होता है ये लेस सरफेस एरिया पर वॉल्यूम, लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम? सिर्फ किताबी बातों से तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आज फिजिक्स आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आज आपको मैथ भी पढ़ना है, सिर्फ एक इतनी सी बात जानने के लिए कि साइज ऑफ द सेल, हाउ द साइज ऑफ द सेल इम्पैक्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड व्हाई ए स्मॉल सेल इज ऑलवेज, व्हाई ए स्मॉल सेल इज ऑलवेज एक्टिव देन द लार्जर सेल। ओके, सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि एक सेल जो है वो एक क्यूब के शेप का है, ठीक है। एक सेल जो है वो हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक सेल क्यूब के शेप का है। तो क्यूब के शेप का होने के कारण हम लोग को सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो मैथ में कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू सिक्स, ठीक है। क्यों सिक्स? क्योंकि छह फेसेस होते हैं क्यूब में। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? सरफेस एरिया निकालते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू सिक्स, ओके। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग अभी समझेंगे कि छोटी सी सेल कैसे एक्टिव होती है बड़े सेल की तुलना में, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है जो क्यूब के शेप का है, और इसके जो इसका जो लेंथ है और विड्थ है वो क्या है? 1 × 1 × 1, ठीक है। ये एक एक सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो जब इसका सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? लेंथ इंटू विड्थ इंटू सिक्स। तो लेंथ भी 1 है, विड्थ भी 1 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, क्लियर। तो सरफेस एरिया इसका निकल गया 6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ विड्थ एंड डेप्थ। तो लेंथ 1 है, विड्थ भी 1 है और डेप्थ भी 1 है। तो 1 × 1 × 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम भी आपको निकल गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, सरफेस एरिया आपको निकल गया 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब सरफेस इज टू वॉल्यूम, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी शेल की जो एक्टिविटी होती है वो सरफेस इज टू वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो हम लोग सरफेस इज टू वॉल्यूम निकालेंगे। तो सरफेस कितना निकला स्टूडेंट्स? 6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर निकला। वॉल्यूम कितना निकला? 1 सेंटीमीटर क्यूब निकला। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया? 6:1 हुआ कि नहीं? तो वॉल्यूम क्या निकल गया? 6:1, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक बड़ा नहीं करेंगे सेल को तो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा? तो सेल को जरा सा बड़ा कर दिए। बड़ा कैसे किए? तो वो 1 सेंटीमीटर का था, तो अब सेल थोड़ा बड़ा कर दिए साइज को 2 सेंटीमीटर का। हम लोग उसका जो है लेंथ विड्थ और डेप्थ ले लिए, ओके। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू सिक्स, दैट इज 2 × 2 × 6, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, दैट इज 2 × 2 × 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो सरफेस एरिया निकल गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एंड वॉल्यूम निकल गया 28 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द सरफेस वॉल्यूम रेशियो, तो सरफेस इज टू वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 24:8, दैट इज इक्वल टू 3:1। अब आप देखो यहाँ पर जब छोटी सी सेल थी, जब उसका वन सेंटीमीटर उसका लेंथ और विड्थ और डेप्थ था, तो कितना निकला था सरफेस वॉल्यूम रेशियो 6:1। जब हमने सेल का साइज बढ़ा दिया तो क्या हो गया, सरफेस वॉल्यूम रेशियो घटकर कितना आ गया 3:1। ठीक है, तो क्या हो गया, सरफेस रेशियो वॉल्यूम घट गया। तो जब सरफेस रेशियो वॉल्यूम किसी सेल का घट जाएगा तो क्या होगा, सेल की एफिशिएंसी, सेल की एक्टिविटी भी घट जाएगी। तो इस फॉर्मूला से आपको ये पता चल गया कि कैसे और क्यों ए स्मॉल सेल इज मोर एक्टिव देन ए लार्ज सेल। क्लियर, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि स्मॉल सेल मोर सरफेस एरिया पर वॉल्यूम, लार्ज सेल लेस सरफेस एरिया पर वॉल्यूम। क्लियर, तो जब तक मैथमेटिकली मैं प्रूफ नहीं करती तो आपको क्या लगता, आप रट्टा लगा लेते, तो रट्टा मारकर कोई भी काम नहीं करना है। साइंस इज योर डेली लाइफ रूटीन, कैसे, इसको मैं अभी आपको अपने जनरल लाइफ से भी जोड़कर मैं अभी तुरंत आपको बताऊंगी, पहले इसको क्लियर कर दूँ। तो कैसे कैसे काम होता है, द स्मॉलर सेल्स हैव मोर सरफेस वॉल्यूम रेशियो, अभी क्लियर हुआ, सो मोर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, सो मोर न्यूट्रिएंट अपटेक होगा कि नहीं, स्मॉलर सेल सरफेस वॉल्यूम रेशियो होगा, मोर सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम होगा, तो मोर न्यूट्रिएंट अपटेक होगा, सो स्मॉलर सेल्स आर मोर एक्टिव देन द लार्जर सेल। व्हाई एंड हाउ, समझ में आ गया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब किसी भी सेल का साइज कौन डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन रहता है कि कोई सेल बड़ी होगी या कोई सेल छोटी होगी, ये कैसे डिटरमाइन होता है, तो द साइज ऑफ द सेल इज डिटरमाइंड बाय टू मेन फैक्टर्स। कौन कौन से टू मेन फैक्टर्स होंगे, तो पहला फैक्टर है इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, वो सेल कैसा है, वो सेल यूनिसेलुलर है, वो सेल मल्टी सेलुलर है, वो ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना वो न्यूट्रिएंट उसको चाहिए और कितना उसको ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, इस पर उसका साइज और शेप डिपेंड करता है। ठीक है, और रेगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस, नेक्स्ट है द रेगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस, रेगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस से आप क्या समझ रहे हो, इसको भी आप सब लोग बहुत अच्छे से, मान लीजिए कि ये एक आपका सेल है। ठीक है, ये एक आपका सेल है और सेल जो है वो क्या हो गया, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सेल में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करती है, सेल अपना साइज बढ़ाती है, अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो सेल अपना साइज बढ़ाएगा, तो जब सेल अपना साइज बढ़ा लेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, जब सेल अपना साइज बढ़ा लेगा तो न्यूक्लियस का जो कमांडिंग कैपेसिटी होती है सेल पर, वो क्या होगी, घटती चली जाएगी, क्योंकि अब तक तो छोटा सा सेल था लेकिन अब सेल बड़ा हो गया। जैसे जैसे अगर छोटा मोटा फंक्शन है तो आप एक जनरेटर लाते हो, ठीक है, लेकिन अगर बड़ा फंक्शन है, बड़े एरिया को कवर करना है, बड़ा ज़्यादा लाइटिंग है, ज़्यादा आपको लाइटिंग की ज़रूरत है, तो आप दो या तीन जनरेटर की व्यवस्था करते हो उसी तरीके से। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, अगर छोटा सा सेल है, न्यूक्लियस उसको कमांड कर रहा है, एकाएक उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस को भी तो बढ़ना होगा, हाँ, फॉर रेगुलेटिंग, तो क्या होगा, न्यूक्लियस तब खुद को डिवाइड करने लगेगा। ठीक है, अब क्या किया न्यूक्लियस ने, न्यूक्लियस भी दो भाग में बट गया, तो जब न्यूक्लियस दो भाग में बट जाएगा तो ये सेल को भी दो भाग में बांट देगा और एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। सो द रेगुलेटिंग एबिलिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस ऑल्सो कमांड द साइज ऑफ द सेल, समझ में आया। ठीक है,
तो हम लोगों ने अब तक बात की कि सेल के साइज का क्या इंपैक्ट पड़ता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर, कैसे सरफेस और वॉल्यूम रेशियो सेल को कमांड करता है या सेल को एक्टिव या इनएक्टिव बनाता है। फिर हम लोगों ने जाना कि सेल का साइज किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो रेगुलर, जैसे इसको एक बहुत अच्छे उदाहरण से आप समझ सकते हो कि सुबह आप उठते हो घर में, तो घर में उठने के बाद सारी चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं, बेड गंदा रहता है, बाहर भी मान लीजिए डाइनिंग टेबल पे आपने रात में खाया होगा, बर्तन बिखरे पड़े रहते हैं, या फिर और भी जो भी घर के सामान है सब इधर उधर रहते हैं, और जो आपके घर में मेड होती है वो आती है और सभी चीज़ों को अरेंज करती है, एक जगह करती है, सब कुछ साफ़ सुथरा करती है, और घर जो है बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है, घर जो है बिल्कुल जैसा था वैसा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है फिर से घर वैसा का वैसा हो जाता है, ठीक है। तो मेड जो आपके घर ये सब काम करती है उसके लिए आप क्या करते हो, उसको पे करते हो ना। तो कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया, आप लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, आप लोगों ने टेंथ में लाइट प्रोसेस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा, तो कभी भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि वाटी क्यों फोटोसिंथेसिस डेली करना पड़ता है, क्या ज़रूरी है एक प्लांट डेली फोटोसिंथेसिस करे, क्या ज़रूरी है कि हम डेली खाना खाएं, चार पाँच दिन में, सात दिन में एक दिन खाना खा लेंगे तो चलेगा। प्लांट्स भी सोचेगा चलो भाई आज रेस्ट ले लो, आज फोटोसिंथेसिस नहीं करना। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेली, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फूड, व्हाई वी इनटेक फूड एवरी डे, व्हाई प्लांट, व्हाई द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट एवरी डे, क्या ज़रूरत पड़ती है, कभी ये चीज़ सोचा आपने? तो इस चीज़ को सोचने के लिए ही मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि प्लांट में जो चीज़ें होती हैं, अगर फोटोसिंथेसिस ही हो रहा है या हमारे हम लोग जो खाना खा रहे हैं, तो मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस हो या खाना हम लोग खा रहे हो इनडायरेक्टली, तो दोनों काम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी करेंसी को क्रिएट कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में भी एनर्जी क्रिएट होता है, हम लोगों में भी एनर्जी क्रिएट होता है, ठीक है। यानी कि सब कुछ के लिए ज़रूरी क्या है, एनर्जी। जैसे कि वो मेड जब आपके घर में काम करती है उसको अगर आप वो करेंसी देना बंद कर देंगे, उसको अगर पगार नहीं दोगे तो कब तक काम करेगी, दो या तीन दिन उसके बाद वो छोड़ देगी, क्योंकि वो जो आपको दे रही है उसके एवज में आप उसको पे कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से हमारे सेल में क्या होते हैं, सेल में भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, फोटोसिंथेसिस हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, तो सेल भी अव्यवस्थित हो जाता है। तो सेल को व्यवस्थित करने के लिए, सेल को हर चीज़ मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की, ज़रूरत होती है एटीपी की। हमारे बॉडी के सेल को, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी करेंसी दैट इज एटीपी की। इसीलिए डेली खाने की ज़रूरत होती है, अगर डेली नहीं खाएंगे तो सेल भी उस दिन काम करना बंद कर देगी, तो क्या होगा? तो वही जानने के लिए हम अब जानेंगे कि इट सेल रिक्वायर्स एन इनफ्लो ऑफ एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। प्रत्येक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे बॉडी में हो रही हैं, सबको परफॉर्म करने के लिए सेल को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। ऑल सिस्टम्स आर इरिवर्सिबली मूविंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर केमिस्ट्री की बात आएगी, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक टर्म आया होगा एंट्रोपी, ठीक है। ये एंट्रोपी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंट्रोपी क्या होता है। तो देखो, केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, तो जितने भी हमारे बॉडी के काम हो रहे हैं उन पर भी डिपेंड करते हैं। एंट्रोपी क्या होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में
थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी पढ़ा है, एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है। और एंट्रोपी क्या करता है, इट मेजर्स द डिसऑर्डर ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एंट्रोपी क्या करता है, वो डिसऑर्डर को मेजर करता है। कैसा डिसऑर्डर, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डिसऑर्डर। तो कोई भी चीज होता है, और एंथैल्पी किसको कहते हैं, जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट के मेजरमेंट को। तो एंट्रोपी, अभी मैंने बताया कि चीज़ें अव्यवस्थित रूप से जब घर में बिगड़ी पड़ी होती है तो उनको व्यवस्थित किया जाता है। ठीक उसी तरीके से सेल में जब कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो सेल में भी डिसऑर्डर्स आते हैं। तो ऑल सिस्टम्स आर इरिवर्सिबली मूविंग टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। स्वाभाविक है, अगर कोई काम आप करोगे, जैसे आप अपने जब स्टडी टेबल पर पढ़ते हो तो बहुत सारी किताबों की जरूरत होती है, नोटबुक की जरूरत होती है, तो आपका पूरा का पूरा स्टडी टेबल बिखरा पड़ा रहता है। और जब आप बाद में उसको, जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है रात में, या जब भी जब आप तब तो उसको आप अरेंज करते हो, लेकिन जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका पूरा का पूरा स्टडी टेबल बिखर जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। जस्ट लाइक दैट आवर सिस्टम ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी एंड इट इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट, ठीक है, कि हमारा जो सेल है वो कौन से लॉ को फॉलो करता है। लॉ ऑफ एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ को फॉलो करती है, ठीक है। तो यही एंट्रोपी है। ड्यू टू एंट्रोपी द ऑर्गेनिज्म विल डाई, सो ओवरकम द एंट्रोपी देयर इज रिक्वायर्ड ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर इस एंट्रोपी को व्यवस्थित न किया जाए, अगर इस एंट्रोपी को कंट्रोल न किया जाए, तो सेल के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाएंगी, सेल काम करना बंद कर देगा और ऑर्गेनिज्म की मौत हो जाएगी। तो टू ओवरकम द एंट्रोपी, एंट्रोपी को ओवरकम करने के लिए, इस डिसऑर्डर को कम करने के लिए, इस डिसऑर्डर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदलने के लिए हम लोगों को डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरीके से हमारे घर के कामों को करने के लिए हमें मेड को पे करना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से सेल के डिसऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदलने के लिए एटीपी के रूप में उसको पे करना पड़ता है। सो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इनटेक ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो कितना अच्छा और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों ने जाना कि क्या नीड है फोटोसिंथेसिस की, क्यों जरूरत पड़ती है। तो ये सभी बातें आज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज आज हम लोगों ने जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आप पढ़ाई मन से करोगे। और मेरे कमेंट YouTube के कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट जरूर करोगे। ये 11th के साथ साथ जो नीट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था आज का। तो आज के लिए ही इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू।